हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं संदीप त्रिपाठी। सबसे पहले तो आपको भारतीय नववर्ष 2077 की शुभकामनाएं देता हूं, साथ ही वासंतिक नवरात्र की भी शुभकामनाएं देता हूं। और ईश्वर से प्रार्थना है कि माता रानी आपको इस विपदा से बचा के रखें। और साथ ही मेरा विनम्र निवेदन है, पुनः मैं दोहराना चाहूँगा कि आप सभी माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सुझाए गए रास्तों का पालन करें, जिससे कि इस देश की, समाज की, परिवार की और संपूर्ण विश्व जगत की रक्षा हो सके। और जो मैं मिशन चला रहा हूँ स्टडी एट होम, मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित हो रहा होगा। और आपसे निवेदन है कि अपने इस समय को बर्बाद ना होने दें। दिन भर में कम से कम आप आधे घंटे ज़रूर निकालें, अगर आप विद्यार्थी जीवन जी रहे हैं तो। और स्पेशली वो बच्चे जो 10th और 12th के, जिन्हें आगामी वर्ष में बोर्ड की परीक्षाएं देनी है। तो जैसा कि आप सब जान रहे होंगे, जो मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है, कि अब तक मैं क्लास 12th का जो है वीडियो भी स्टार्ट किया हूं। पोट्री चल रही है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लास इन अ स्लम। पिछले वीडियो में आप सभी ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से कहूँगा कि वीडियो इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, आप सभी प्लीज़ नीचे दिए गए लाइक बटन को क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि मुझे पता चले कि आप मेरे प्रयास को सपोर्ट कर रहे हैं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके अपने सुझाव भी मुझ तक पहुंचाने की कोशिश करिए, जिससे कि आगे जो भी कठिनाई आ रही हो या जहां पे आपको दिक्कत हो रही है, उसको मैं सुलझाने की कोशिश कर सकूं। अगली वीडियो अब मैं स्टार्ट करूंगा क्लास 10th के लिए भी, तो वो बच्चे भी स्टार्ट हो जाएं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करूंगा लास्ट पैराग्राफ फ्लेमिंगो बुक की सेकेंड लेसन की पोएट्री है। आइए स्टार्ट करते हैं, इसे फिनिश करते हैं। और आप सभी से एक गुजारिश है कि इन सारे पोएट्रीज को, इस सारे पोएम को फिनिश करने के बाद आप सभी एक नोट्स बनाएं। और इस पूरी पोएट्री जो मैंने फिनिश किया है, लेसन फर्स्ट और लेसन सेकंड, इन दोनों की समरी आप अपने नोट्स पे मेंटेन करें। ओके स्टूडेंट्स, और ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। तो आगे पोएट कहते हैं कि अनलेस गवर्नर टीचर इंस्पेक्टर विजिटर। देखिए स्टूडेंट्स, अभी पिछले थर्ड पैराग्राफ में मैंने आपको बताया था कि उस थर्ड पैराग्राफ में पोएट ने जिक्र किया था कि उनका विचार क्या, जब उन्होंने क्लासरूम का अपीयरेंस देखा, बच्चों की स्थिति देखी, तो थर्ड पैराग्राफ में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं, कैसा क्या समाज हित में होना चाहिए। अब फोर्थ पैराग्राफ में वो अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। किससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं? गवर्नर से, टीचर से, इंस्पेक्टर से और विजिटर से, अर्थात जो भी लोग वहां पे आ रहे हैं उस एरिया के कांटेक्ट में, चाहे वो गवर्नर हो, चाहे शिक्षक हो या इंस्पेक्टर हो, चाहे विजिटर हो, उनसे कहते क्या है, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो। कि हे गवर्नर्स, टीचर्स, इंस्पेक्टर्स और विजिटर्स, आप कुछ ऐसा काम करिए जो दिस मैप, ये जो मैप है जो उनके क्लासरूम में लगा हुआ, या फिर ये जो स्थिति है, बदहाल स्थिति है उनके गांव की, उनके उस गंदी बस्ती की, बिकम्स देयर विंडो, वो बन जाए उनकी खिड़की। यहाँ पे कहने के तात्पर्य ये है कि इनको आप, इनके साथ कुछ ऐसा करिए, कुछ ऐसा बदलाव लाइए कि ये जो समाज से जुड़ जाएं, अर्थात इन्हें जो समाज से हटा दिया गया है, आप कुछ ऐसा काम करें कि ये क्या हो जाएं, इस संसार का हिस्सा बन जाए। अर्थात कहने के तात्पर्य है कि गवर्नर, शिक्षक, निरीक्षक और आगंतुक, आप सभी अपने इस संसार के नक्शे को इन बच्चों के संसार का हिस्सा बना दो, ऐसा अपील पॉइंट कर रहे हैं। और कहते क्या है कि दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइफ लाइक कैटकॉम्स। स्टूडेंट्स कहते हैं दीज विंडोज, क्योंकि ये जो खिड़कियां हैं, मतलब जो क्या बनी हुई है, एक रोड़ा बनी हुई, अवरोध बनी हुई है एक वास्तविक समाज में, और ये बेचारे बिछड़े हुए बच्चों के बीच में क्या बनी, अवरोध बनी। जो दीज विंडोज, ये खिड़कियां हैं, इनको क्या करिए, ब्रेक कर दीजिए, तोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि दैट शट अपॉन, क्योंकि इन्होंने क्या कर रखा है, बंद करके रखा हुआ है, अर्थात ये खिड़कियां, अर्थात ये वातावरण जो है वो उनके जीवन के विकास को तहखाने की कब्रों की तरह बंद कर देती हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कैटकॉम संबंध में तहखाने का रास्ता, यानी कि जो गंदी बस्तियां हैं इनके, ये इनके लिए क्या हो गई हैं, कैटकॉम्स की तरह हो गई हैं, बिल्कुल किसी तरह हो गई, तहखान जो कब्र होता है, कब्र के तहखाने की तरह हो गई हैं, जो कभी खुलने का नाम नहीं ले रही हैं। इनको आप क्या करिए, कुछ ऐसा कार्य करिए कि ये जो है कैटकॉम्स हैं, जो तहखाने का जो रास्ता है, ये टूट जाए और ये भी आप हमारे वास्तविक समाज
का क्या बन सके, हिस्सा बन सके। अर्थात जो शुद्ध समाज है, जहाँ पे खुली वायु मिलती है, खुली चेतना मिलती है, आजादी मिलती है, हर चीज का अधिकार मिलता है, ये उनके भी अधिकारी बन सके। कहते क्या है, ब्रेक ओ ब्रेक, इन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, तोड़ दीजिए, ओपन खोल दीजिए, यानी इन खिड़कियों को, जो खिड़कियां क्या बनी हुई, अवरोध बनी हुई हैं इनके संसार में और वास्तविक जो संसार है उस संसार में जो अवरोध बनी हुई खिड़कियों का आप तोड़ दीजिए। अर्थात जो जात पात भेदभाव गरीबी अमीरी इन सभी को आप क्या करिए, दूर कर दीजिए। टिल दे ब्रेक द टाउन, नहीं कहीं ऐसा ना हो कि वो खुद ही एक सब्र के एक पेशेंस को तोड़ दें और क्या करें, शहर के सारे बंधन तोड़कर वो खुद ही इन शहरों को कहीं तोड़ ना दें। एंड शो चिल्ड्रंस ग्रीन फील्ड, और इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इनको भी, इन प्यारे प्यारे बच्चों को भी वो ग्रीन फील्ड, हरे भरे खेत दिखाइए। अगर ऐसा नहीं होगा, जब इनके पेशेंस छूटेंगे, ये खुद ही क्या कर देंगे, शहरों को तबाह कर देंगे, तोड़ देंगे। इससे अच्छा क्या करिए, आप भी इस खिड़कियों को, इन बीच की दहलीजों को, दीवारों को तोड़िए और इनको भी क्या करिए, शो द चिल्ड्रेन ग्रीन फील्ड, इस ग्रीन फील्ड हरे भरे खेतों को दिखाइए। अर्थात यहाँ पे स्टूडेंट्स कहने का मतलब, इन्हें भी आजादी दीजिए, हर चीज का अधिकार दीजिए, एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज योर ऑन गोल्ड सैंड, और उनके संसार को सुनहरी रेत पर नीली नीली समुद्र के लहरों तक विस्तार करने दीजिए। अर्थात यहाँ पर कहने का मतलब है, उन्हें भी आजादी प्रदान करिए अपने विचारों को रखने का, अपने हिसाब से काम करने का, जिससे वो भी इसका हिस्सा बन सके। अर्थात यहाँ पे कहने का मतलब स्टूडेंट्स की मेक देयर वर्ल्ड, वर्ल्ड का मतलब यहाँ पे लाइफ, मेक देयर वर्ल्ड रन, इनकी भी जिंदगी को गुजरने दीजिए, जाने दीजिए। कहाँ पे, एज्योर, एज्योर का मतलब स्टूडेंट्स होता है जो आकाश, जो नीला आसमान होता है उसकी बात की जाए, नीले आसमान के नीचे उनको भी जाने दीजिए। ऑन गोल्ड सैंड, जो सुनहरी कलर की जो मिट्टी है उस पर उन्हें जाने दीजिए, उसका उन्हें अधिकार दीजिए। एंड लेट देयर टंग्स रन, लेट देयर टंग्स, टंग्स मतलब होता है भाषा, यानी कि बोलने का अधिकार। नेक्ड इनटू बुक्स, उनको भी बोलने का अधिकार दीजिए, उनकी भी बातों को, भावनाओं को किताबों पर उतरने दीजिए। द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री, क्योंकि आगे कहते हैं कि, और उनके ज्ञान को सफेद और हरे रंग की जो ये लीव्स हैं उस पर बिखर जाने दीजिए। ओपन हिस्ट्री इज देयर हुज लैंग्वेज इज द सन, इस लाइन को स्टूडेंट्स काफी अच्छे समझने की कोशिश करिएगा, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको वर्ल्ड टू वर्ल्ड समझाने की कोशिश करूँ। अगर कहीं भी कोई डाउट आ रहे स्टूडेंट्स तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम को मैं शॉर्ट आउट कर पाऊं। और आप इसकी नोट्स जरूर बनाइएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए और सब चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आगे के वीडियोज आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो कहते क्या है कि लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू द बुक्स, लेट देयर टंग्स, टंग्स मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, भाषा, यानी कि उनकी जो फीलिंग्स है, उनकी जो बातें हैं, उनकी बातों क्या करने दीजिए, बोलने दीजिए। रन नेक्ड, नेक्ड का मतलब यहाँ पे बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी रोक टोक के, इनटू बुक्स, किताबों में भी उनकी बातों को छपने दीजिए। इन वाइट एंड ग्रीन लीव्स, जो सफेद और हरे रंग के जो पृष्ठ है, आप लीव्स मतलब क्या है, पृष्ठ यानी पन्नों पर क्या करिए, उनकी भाषा को आप भी छपने दीजिए। और आगे कहते हैं कि ओपन हिस्ट्री इज देयर, जो इतिहास है, ओपन हिस्ट्री इज देयर, अर्थात इतिहास उन्हीं का जीवित रहता है, हुज लैंग्वेज, जिसकी भाषा इज द सन। यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, सन का तात्पर्य सूर्य नहीं, जिसकी भाषा सूर्य हो, ओके, उन्हीं की इतिहास जीवित रहता है। यहाँ पे कहने का तात्पर्य, जैसे कि सूर्य, वो क्या होता है, कभी भी उसकी उष्मा समाप्त नहीं होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जिसकी भाषा जीवित रहती है, अर्थात जिसकी भाषा सूर्य की तरह जीवित रहती है, उसी का इतिहास होता है, इतिहास के पन्नों में उन्हीं का नाम जीवित होता है, जिसकी भाषा सूर्य की तरह कभी भी खत्म नहीं होती है। इस तरह से स्टूडेंट्स फोर्थ पैराग्राफ भी फिनिश हुआ, और हमने आज पोएट्री लेसन नंबर 2 एंड एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम को फिनिश कर लिया। अगर कहीं पे कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए। वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसका पूरा एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट्स आप सभी अपने कॉपी पे करिए, और मुझे तब और अच्छा लगेगा जब आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में या कमेंट बॉक्स में उसकी फोटो भी क्लिक करके भेजिए कि हाँ आपने इसका समरी कंप्लीट कर लिया है। अब आगे मैं क्लास 10th की वीडियोज भी अपडेट करूंगा और आगे स्टोरीज भी मैं स्टार्ट करूंगा।
और जिन्होंने भी अभी मेरे फर्स्ट सेकंड थर्ड पैराग्राफ के वीडियोस नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां पे मैं तीनों पैराग्राफ्स की लिस्ट मैंने लगा दिया, लिंक डाल दिया है, वहां से स्टूडेंट्स आप तीनों पैराग्राफ को देख पाएंगे। पहले उनको आप देखिए, फिर आप इस वीडियो को देखिएगा, जिससे कि आपको सारी चीजें समझ में आए। कहीं भी कोई कंफ्यूजन तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। और प्लीज स्टडी एट होम को प्रमोट करिए, दिन भर में आप एटलीस्ट आधे घंटे निकालिए अपने स्टडी के लिए। ओके स्टूडेंट्स, एंड प्लीज अगेन मेरा रिक्वेस्ट है कि घर पे रहिए, बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बहुत ही जल्द अच्छा हो जाएगा, हम इस पे कंट्रोल कर लेंगे, कोरोना पे विजय हमारी ही होके रहेगी, बस थोड़े से पेशेंस और सावधानी की जरूरत है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर प्रीशियस टाइम, हैव अ ग्रेट डे अहेड।